नमस्कार, INI न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के मेरठ में भरी हुंकार, कहा जब तक मैं हूं तब तक चैन से बैठूंगा नहीं और मैं लुटेरों को चैन से बैठने नहीं दूंगा। छत्तीसगढ़ में धर्मजगड़ से भूपदेवपुर तक रेल कॉरिडोर बनाने के लिए शुरू हुई कार्य। यूपी में कारोबारी के घर सिलेंडर में आग लगने से मकान ढहा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में आज से शुरू हुई जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री, फर्जीवाड़ा रोकने में मददगार साबित। मध्य प्रदेश के कटनी में आयुक्त नगर निगम ने जनता पर लगाया स्वच्छता टैक्स, जनता कर रही विरोध। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अपर न्यायाधीश ने नाबालिग लड़की का पीछा करने के जुर्म में युवक को सुनाई 3 साल की सजा। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में आयोजित विजय शंखनाद रैली में शिरकत की और आमजन को संबोधित करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश के पास हिंदुस्तान का अव्वल दर्जा पाने वाले राज्य बनने की सारी ताकत पड़ी हुई है। साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही लड़ाई में आमजनों को साथ देने की अपील की। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के पास हिंदुस्तान का अव्वल दर्जा बनकर राज्य बनने का सारी ताकत पड़ी हुई है। यहां पर प्राकृतिक संसाधन है, गंगा यमुना जैसे पवित्र धाराएं हैं। हमारे मेहनत कश किसान हैं, संकल्पबद्ध नौजवान हैं, कुछ कर गुजरने का मादा रखने वाला ये उत्तर प्रदेश। भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश को ऐसा रख करके हम देश का भला नहीं कर सकते। इस एक काम को मैं करके रहूंगा। मैं आपको बताता हूं, जब तक मैं हूं मैं चैन से बैठूंगा नहीं और मैं लुटेरों को चैन से बैठने नहीं दूंगा। धर्मजगढ़ से भूपदेवपुर बनने वाले रेल कॉरिडोर के लिए बिछाई जाने वाली 74 किलोमीटर की रेल लाइन के बीच में पड़ने वाले दो वन मंडलों में धर्मजगढ़ वन मंडल में पेड़ कटाई का काम शुरू हो गया है। धर्मजगढ़ वन मंडल के वन परिक्षेत्र के 4 गांव में मार्क किए गए हैं, जिसमें 8,765 पेड़ों की कटाई अधिकारियों की देखरेख में शुरू हो गई है। ईस्ट रेल कॉरिडोर का काम इस्कान कंपनी के द्वारा चालू किया जाएगा। रेल लाइन बिछने के बाद इस आदिवासी अंचल की चाल भी विकास की दौड़ में रेल पटरियों पर दौड़ने लगेगी। इस क्षेत्र के कई गाँव के नागरिक जो आज तक रेलगाड़ी मालगाड़ी को नहीं देखे थे, इसके निर्माण से उनका सपना पूरा हो जाएगा। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि रेल कॉरिडोर बनने से इस क्षेत्र का विकास तो जरूर होगा, मगर धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र हाथी प्रभावित क्षेत्र है, जिसके कारण आए दिन रेल चलने से हाथियों के हाथ से होते रहेंगे। वही हजारों पेड़ों के कटने से पर्यावरण पर बुरा प्रभाव भी पड़ेगा। जो रेलवे आ रही भूपदेवपुर से होते हुए धर्मजयगढ़ होकर के जो जाएगी, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन रेलवे के आने से जो वन की क्षति हो रही है, पेड़ पौधे जो काट रहे हैं लगभग 9-10 हज़ार, वो पर्यावरण को सीधा सीधा क्षति पहुंच रही है। तो हम कंपनी से, तो ये रेलवे विभाग से ये चाहते हैं कि उस पेड़ कटाई के भरपाई में कहीं ना कहीं उसको वृक्षारोपण करना चाहिए और पर्यावरण को सुदृढ़ बनाए रखना चाहिए। रायगढ़ जिला के दो वन मंडलों धर्मजयगढ़ तथा रायगढ़ वन मंडल के भूपदेवपुर छाल कुडुमकेला धर्मजयगढ़ क्षेत्र के वन परिक्षेत्रों में 74 किलोमीटर की रेल लाइन के लिए इस कॉरिडोर के निर्माण के लिए इस्कान इंजीनियरिंग को पूरे क्षेत्र में रेल लाइन बिछाने का कार्य रेलवे ने सौंपा है। वही वन मंडलाधिकारी ने बताया कि धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र में 7,930 पेड़ की कटाई की गई है। वही अधिकारी भी मान रहे हैं कि पेड़ कटाई होने से धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र में हाथियों के हाथ से होने की संभावना बनी रहेगी। नुकसान हो तो किसी को भी पहुंच सकता है, वो तो आदमी आप जो ट्रैक में उसके सामने ट्रेन के सामने आएगा, तो कोई भी, चाहे वो मवेशी हो, चाहे भैंस हो, हाथी हो, कोई भी नुकसान हो सकता है, किसी को भी नुकसान हो सकता है। INI के लिए जसपुर से अनामिका सोनी की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के आगरा में आए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर तंज करते हुए राहुल और अखिलेश के गठबंधन को गंगा यमुना का मिलन बताया है, लेकिन इलाहाबाद के संगम में गंगा में यमुना का विलय हो जाता है। ये चुनाव बाद ही पता लगेगा कि किसका अस्तित्व है और कौन विलय हो गया। चुनाव में बीजेपी को क्या याद आता है? राम मंदिर का मुद्दा मीडिया के इस सवाल के जवाब में रविशंकर प्रसाद ने इसे आस्था का विषय बताया और मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन बताया। वहीं कांग्रेस को 5 तत्वों से बने इस संसार में 12 लाख करोड़ रुपए के घोटालों का आरोपी भी ठहराया है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी गंगा और यमुना की पवित्रता की परंपरा पर कलंक लगाने का काम नहीं करें, ये हताशा का गठबंधन है, ये अपराध और भ्रष्टाचार का गठबंधन है, ये गुंडाराज और लूट करने वालों का गठबंधन है। तो ये है राहुल गांधी की विरासत, लूट भ्रष्टाचार की विरासत, अखिलेश यादव की विरासत भ्रष्टाचार, जमीन हड़पना और गुंडाराज को प्रोत्साहित करना, ये दोनों की विरासत है। आजकल मायावती जी बहुत गिना रही हैं कि हमने इतना इतना अल्पसंख्यक को टिकट दिया, ये दिया, लगता है समाज को विभाजन करने की एक दृष्टा चल रही है। शेखपुरा में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बिजली आपूर्ति किए जाने का विद्युत विभाग का दावा कागजों तक ही सिमट कर रह गया है। विद्युत विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में 17 से 18 घंटा और शहरी क्षेत्रों में 20 घंटा प्रतिदिन बिजली आपूर्ति किए जाने का प्रतिवेदन राज्य सरकार को उपलब्ध करा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति मात्र 6 से 7 घंटा ही किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। गलत भेज रहा, शहर में मानते हैं 20 घंटा कम से कम बिजली बिल देने का नियम है और गांव में कम से कम 18 घंटा, लेकिन दोनों जगह ये मानते हैं जो रिपोर्ट भेजा जा रहा है कि 20 घंटा और 18 घंटा गांव में रहता है, ये बिल्कुल गलत है और सरकार को जो रिपोर्ट भेजा जा रहा है जो गलत है। शहर में लगभग 10 से 12 घंटा रहता है और गाँव के अंदर 5 से 6 घंटा रहता है। चाहिए ऐसा बिजली पानी हर तरह का आराम होगा, लेकिन आराम के और परेशानी बढ़ गई हम लोग का। बिल तो दे ही रहा उतना, बिल तो हम लोग को बढ़ के माने जिस समय 115 रुपया आता था अभी 300 रुपया कर दिया वही बिजली बिल का। अब बिजली क्या स्थिति है? अब बिजली का कोई माने सुचारू रूप से देता भी नहीं कभी, और 2 घंटा 3 घंटा लाइन देता ना है। हम लोग का फसल भी खराब हो रहा है, आज पटना रहता है तो 4 दिन के बाद पटता है, ऐसा देखते देखते आज पटाया, 1 घंटा चला 2 घंटा चला बंद हो गया। जबलपुर दशम अपर सत्र न्यायाधीश ने मध्य प्रदेश में लड़की का पीछा करने पर पहली बार एक युवक मोहम्मद सैफ को 3 साल की सजा और 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सरकारी वकील अजय जैन ने बताया कि 17 जून 2016 को हनुमानताल थाने में पीड़ित नाबालिग लड़की और उसके परिवार वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि जब वह स्कूल जाती है और स्कूल से आती है तो इलाके में रहने वाले एक मोहम्मद सैफ नामक युवक अपने 3 साथी युवकों के साथ उसका पीछा करते हैं और गंदे गंदे छिटाकशी करते हैं, लेकिन जब पुलिस ने इस मामले में जांच की तो मोहम्मद सैफ नामक युवक के अलावा 3 युवक नाबालिग निकले। तभी जज ने इस मामले की पूरी सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया कि 3 नाबालिगों का केस बाल न्यायालय में किया जाए। माननीय न्यायालय ने अभिजन द्वारा पेश की गई साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए मोहम्मद सैफ को बच्चियों के साथ छेड़खानी करने, परेशान करने, भद्दे कमेंट करने और धमकाने के लिए दोषी मानते हुए दंडाधीश पारित किया है। आरोपी मोहम्मद सैफ को धारा 354D में 3 वर्ष की सजा और 1,000 रुपये का अर्थदंड और धारा 12 बालकों का संरक्षण लैंगिक अपराधों संरक्षण अधिनियम में 3 वर्ष की सजा और 1,000 रुपये का अर्थदंड दिया है। प्रदेश का संभवतः ऐसा पहला मामला है जिसमें पीछा करने, बच्चों को परेशान करने और उन पर भद्दे कमेंट करने के लिए इतनी बड़ी सजा न्यायालय ने दी है। जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा के कुर्दा छपोरा गांव में एक अज्ञात लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश 4-5 दिन पुरानी बताई जा रही है। मृतक के दोनों पैर गायब है। लाश की परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस हत्या की आशंका जाहिर कर रही है। फिलहाल पुलिस फॉरेंसिक टीम की मदद से मौत के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। बदबू के माध्यम से किसी ने देखा होगा, रामलाल भाई है, और गांव के लोग जो है बाहर के लोग आते जाते, मैं ग्राम पंचायत छपोरम काम करवा रहा था भवन के पास में, वहां पर यात्रीगण गए
और बोले कि भाई वहाँ बदबू दे रहा है, कोई लात पड़ा है, वहाँ भीड़ लगा है आदमी लोगों को। तब फिर आ करके मैं देखा तो सही, वास्तव में सही पाए गए। इसका सूचना तत्काल मैं पुलिस थाना को दिया। कुर्दा छपोरा गांव में ये पुलिया है, जो पाइप पुलिया में डले रहते हैं, उस पाइप के अंदर में संदिग्ध अवस्था में जो है ये पुरुष की लाश पाई गई है, जिसके दोनों पंजे नहीं दिख रहे हैं। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निश्चित रूप से संदिग्ध अवस्था में लाश पाई गई है और हत्या जैसा प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। सर्वप्रथम डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाएगी। AISF छात्रों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गेट पर जमकर प्रदर्शन और हंगामा किया। छात्रों ने इंटर परीक्षा के विषयों में अदला बदली की मांग और गड़बड़ी के विरोध में हंगामा किया। हंगामे के बाद मौके पर पुलिस के पहुंचने पर प्रदर्शनकारी छात्र शांत हुए। आगरा की फतेहाबाद विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी पंडित उमेश सेठिया का स्टिंग ऑपरेशन प्रत्याशी के कार्यालय से लोगों को बट रही है। शराब के लिए पर्ची, पूरा मामला INI के कैमरे में कैद, प्रशासन को नहीं है जानकारी। नहीं तो वीडियो हम देख लेते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड भी हमारा सक्रिय है। अगर ऐसी कोई रिपोर्ट है कि इस तरीके की कोई बात सामने आई है तो निश्चित तौर पर उस पर भी परीक्षण करा करके निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश आगरा के थाना सदर इलाके में स्थित सरस्वती बिहार सेवला में पेंट कारोबारी लक्ष्मी नारायण शर्मा के घर में बीती रात सिलेंडर में आग लगने के बाद तेज धमाके से दो मंजिल मकान खंडहर में तब्दील हो गया। परिवार के मुखिया लक्ष्मी नारायण के साथ परिवार के 8 सदस्य मलबे में ही दब गए। मौके पर पहुंची थाना सदर पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और सभी लोगों को निकाल कर इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया। परिवार के सभी सदस्यों का इलाज आगरा के SN अस्पताल में किया जा रहा है। परिवार के 3 सदस्यों की हालत बेहद नाजुक है। सिलेंडर के फटने की घटना हुई थी और पुलिस को सूचना मिली, पुलिस गई और एक दो मंजिला मकान था जो गैस सिलेंडर के फटने से वो मकान गिर गया और उसमें 8 लोग जिसमें 4 बड़े 4 छोटे घायल हुए, जिनको अस्पताल भेज दिया गया। बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दिए बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने यह बताया कि तेजस्वी यादव जिम्मेवार पद पर हैं और उनको इस तरह के छोटे बयान नहीं देना चाहिए। वहीं मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने हमेशा बिहार का ख्याल रखा है और अधिक से अधिक राशि दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि बिहार सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह के बयान दे रही है। वार पद पर हैं, उनको इस तरह की छोटी बयान नहीं देना चाहिए, मेरा सुझाव है। पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, भारत की सरकार ने कभी भी बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार नहीं किया। बिहार को जितना हक चाहिए था उससे अधिक राशि पिछले वित्तीय वर्ष में भी मिला और इस वित्तीय वर्ष में भी अधिक राशि मिला है। माँ को उसके बच्चे से बढ़कर कोई चीज प्यारी नहीं होती। बच्चे की जान पर बनाई तो माँ अपनी जान की परवाह नहीं करती। झारखंड के लोहरदगा में एक ऐसी ही घटना सामने आई है। 11 माह के अपने बच्चे को बचाने के लिए माँ ने कुएं में छलांग लगा दी। ग्रामीणों ने दोनों को बचा तो लिया, लेकिन माँ और बच्चा दोनों ही अब अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बच्चा जाके गिर गया कुआं में, तो उसको देख के अपना माँ भी देखी होगी। उसके बाद में हम लोग शादी तरफ थे तो उधर से अचानक, फिर बाद में हम लोग वहाँ दौड़ते पहुंचे, तब तक निकाल दिया पूरा, ऐसे पूरा होपलेस थे। मोटरसाइकिल में तुरंत मोटरसाइकिल वहाँ से कुएं तरफ से ले गए उसको हॉस्पिटल में, वहाँ ले गए, वहाँ से फिर रेफर कर दिया सीधा साइड टोली से। वहाँ तो कुछ सुधार हो रहा है बच्चा का, लेकिन अभी सुधार नहीं। क्या लगता है प्रथम दृष्टया देखने से? देखेंगे, अभी हम लोग इलाज दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, दवा दे रहे हैं और वेट कर रहे हैं हम लोग। आराम होता है तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम लोग राशि भेजेंगे। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में ई रजिस्ट्री आज से प्रारंभ हो गई। इस प्रक्रिया के प्रारंभ होने से अपनी संपत्तियों की जालसाजी पर विराम लगेगा। वहीं लोगों के अचल संपत्ति का ब्यौरा सरकार को एक क्लिक में नजर आ जाएगा। एक तरह से कहें तो संपत्ति खरीदी बिक्री के मामले में पहली बार अब पारदर्शिता रहेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्री अपने 1 तारीख से स्टार्ट हो गई है, इसका इनॉग्रेशन भी हो चुका है माननीय मंत्री जी से। और फायदा इसका ये है कि पारदर्शिता आएगी, लोगों का काम जल्दी होगा तत्काल, और इससे
जो फर्जी कुछ होने की जो संभावनाएं होती रहती थी बार बार रहती, ये सब में बिल्कुल बंद हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के कटनी शहर की जनता और व्यापारी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे थे कि नगर निगम की मेयर इन काउंसिल ने जनता और छोटे व्यापारियों पर स्वच्छता टैक्स लगाकर आर्थिक चोट पहुंचा दी, जिसको जिताकर नगर निगम भेजा उन्हीं ने टैक्स लगवा दिया, जिससे जनता अपने को ठगा महसूस करने लगी। मेयर इन काउंसिल की सिफारिश पर आयुक्त नगर निगम ने जनता और छोटे व्यापारियों पर 360 रुपए से लेकर 1,20,000 रुपए वार्षिक स्वच्छता कर लगा दिया। वहीं रेलवे पर 10,000 मासिक लगा। ठीक इसके विपरीत शराब दुकानों, मॉल मालिकों, सिनेमा घर तथा विभिन्न बड़े कारखानों जिन पर स्वच्छता टैक्स लगाना चाहिए उनको छोड़ दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने मांग रखी कि जनता पर थोपे गए स्वच्छता टैक्स को वापस लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल स्वच्छता के शुल्क के नाम पर जनता को करों का बोझ दे रहे हैं, लेकिन स्वच्छता के नाम पर पूरे शहर में गंदगी का ढेर लगा हुआ है और ठेकेदार को जिसको स्वच्छता के नाम पर कचरा परिवहन और प्रसंस्करण का ठेका दे दिया गया है, वो ठेकेदार लाखों रुपए वसूल रहा है और नगर निगम में कमीशनबाजी का खेल चल रहा है। जब नगर निगम स्वच्छता का काम, अपना सफाई का काम, कचरा उठाने का और परिवहन का काम करती थी तो 10 से 11 लाख रुपए माह का खर्चा आता था, लेकिन ठेकेदार को 35 लाख रुपए माह पर ठेका दे करके जनता के ऊपर बोझ लगा लाद दिया गया है। इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्षदगण, समस्त कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए हैं। स्वच्छता शुल्क समाप्त नहीं किया जाएगा तो महापौर के घर का घेराव किया जाएगा और आंदोलन को और बृहद रूप प्रदान किया जाएगा। कोडरमा के झुमरी तिलैया शहर बंद पूरी तरह से सफल रहा। यह बंद झुमरी तिलैया नगर पार्षद द्वारा बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स के विरोध में था। बंद नागरिक अधिकार मंच द्वारा आहूत किया गया था। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें पूरी तरह से बंद दिखी। वहीं स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय के साथ शहर की सारी बैंकों में आम दिनों की तरह कामकाज होता रहा। इस बंद का समर्थन सभी राजनीतिक दलों के अलावा कोडरमा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी किया। अब जब जनता इसके विरोध में आई है, आज बाजार स्वतः बंद हुआ तो आज कुछ वार्ड पार्षद इसके पक्ष में आए और एक दो वार्ड पार्षद जैसे नीलू सिंह, आरती चौधरी, ये लोग पहले से ही इसका शुरू से विरोध कर रहे हैं। नगर परिषद में सुविधा नहीं है, हम लोग पहले से एक मालगुजारी रसीद देते आते हैं सरकार को। आज अपना घर का हम लोग टैक्स दे रहे हैं, शहर में रहने का खामियाजा भुगत रहे हैं, सुविधा नग्न है। लैट्रिन टंकी साफ कराना होता है तो 10,000 रुपया गाड़ी लगता है हमारा। सफाई के लिए 100 रुपया देते हैं तो नाली का कूड़ा उठता है। सरकार पहले, ये चंडीगढ़ में ना है, ये झुमरी तिलैया छोटा सा शहर है, सरकार सुविधा दे, सुविधा के अनुसार टैक्स बढ़ाए तो जनता भी साथ देगा। बिहार के शेखपुरा में टेम्पू संघ के सभी टेम्पो चालक SDO कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया। हंगामा का कारण बाजारों में उत्पन्न जाम की समस्या से जुड़ा है। टेम्पू चालकों का कहना है कि वे लोग जब टेम्पू लेकर पैसेंजर को कहीं रुक कर बैठाते हैं तो पुलिस वालों के द्वारा मारपीट किया जाता है और कहा जाता है कि पैसेंजर सिर्फ स्टैंड से उठाना है। ऐसे में टेम्पू चालकों को पैसेंजर को गाड़ी में बैठाने के लिए मार खाना पड़ता है। हम लोग चाहते हैं मार्केट में चलने के लिए तो क्या पैसेंजर मिलता है चौक पर? पैसेंजर के बोलता है ये रोको, हम गाड़ी रोक देते हैं, पैसेंजर बैठाने लगते हैं, पछला गाड़ी आके लगा सटा देते हैं, उसके कारण मोटरसाइकिल भी आ जाता है, गाड़ी बलोरो भी आ जाता है, उसके लिए जाम लग जाता है। प्रशासन कहते हैं टेम्पू वाले जाम लोग करता है, मारने लगते हैं। हम लोग को आई हाथ करेक्ट कर गया, मारे तो खुल गया, हाथ करेक्ट कर गया। तो हम लोग बोले हैं कि इंसाफ चाहिए कि हम लोग का प्रशासन नहीं मारे, अपना जगह दे दें, जैसे बोलेंगे उसे चलने चाहते हैं। इस तरह टेम्पो वालों को भी है अपना अपना, ठीक है, जहाँ पर टेम्पो ठहरा गल्लू मोड़ पर लिखा हुआ है वहाँ 5 मिनट अपना चढ़ाव उतार कर ले, वहाँ से बढ़ते रहिए तो आपको सब चौक साफ सुथरा रहेगा। आदेश नहीं पाएंगे तो टेम्पो जब्त होगा। अभी वो लोग मान लिए, जब मान ही लिए तो फिर दिक्कत क्या? अब अगर नहीं मानेंगे, इसीलिए तो एक बार बता दिया गया, अगर नहीं मानेंगे तो उनका दोष है, तो फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन टेम्पो जब्त होगा, फिर फाइन होगा, तो फिर दोष नहीं देंगे। INI न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।